है, अगर आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हो सकता है सच्चाई की लड़ाई में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। इसका जीता जागता उदाहरण कानपुर देहात के सिकंदरा में देखने को मिला, जहां पर सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते भले ही 20 साल लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई। और कोर्ट के आदेश पर सिकंदरा में पूर्व वायु सैनिक के घर में घुसकर लूटपाट करने के 20 वर्ष पुराने मामले में तत्काल SO समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कानपुर देहात के थाना सिकंदरा निवासी पूर्व वायु सैनिक शिव सिंह यादव ने बताया कि 10 अप्रैल 2002 को कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ वाद दाखिल करते हुए कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कोर्ट को बताया था कि तत्कालीन SO महिपाल सिंह तोमर, SI दान सिंह, मुंशी श्याम नारायण समेत अन्य 6 पुलिसकर्मी 25 फरवरी 2002 को उनके घर पहुंचे और घर में जमकर उपद्रव मचाया था। दरअसल शिव सिंह यादव कानपुर नगर में तैनात रहे दरोगा दिनेश त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। इसी मुकदमे को वापस लेने का यह लोग दबाव बना रहे थे। जब दबाव काम न आया तो घर में पहुंचकर उपद्रव कर दिया। इन लोगों ने अलमारी का ताला तोड़कर मुकदमे से जुड़े जरूरी कागजात, जेवर व नकदी करीब 8500 रुपये लूट कर ले गए, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों की शिकायत पुलिस अधीक्षक से लेकर कई अलग अधिकारियों से की गई, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। शिव सिंह यादव ने बताया कि इस दौरान तत्कालीन SO हाई कोर्ट चले गए और वहां से स्थगन का आदेश ले आए, जिसके चलते पूरा मामला कोर्ट में लंबित हो गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार वह हाई कोर्ट में भी वह स्थगन आदेश के खिलाफ लड़ते रहे, जिसके चलते हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश निरस्त कर दिया। पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर शुरू हुई। 26 अगस्त 2022 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश दंड प्रक्रिया क्षेत्र कानपुर देहात ने प्रकरण वाद में तत्कालीन SO सिकंदरा समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। शिव सिंह यादव ने बताया कि माननीय न्यायालय ने उन्हें न्याय दे दिया है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि सिकंदरा थाने में मुकदमा कब दर्ज होता है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।